Hello, second standard. Welcome you in maths lecture. In previous lecture, we have discussed a story about a carrot. Now, and then we have complete exercise over there. Now, we are going to do some more exercise in this lecture. Look at this. In previous lecture, we have done this exercise right over here. Up to this one, page number 16. Right now, today we are going to discuss about this. Okay, Seema's century. मतलब सीमा ने जो शतक बनाया है, hundreds बनाए हैं. अभी hundred किसमें बनाए हैं वो देखते हैं. Seema has made a design with different bindis. Seema नाम की एक लड़की है जिसने सेंचुरी नहीं लगाई है क्रिकेट में, लेकिन उसने क्या किया है तो के बिंदी को चिपका कर कपड़े पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाई है. देखो यहाँ पर ये उसका कोई एक रुमाल है छोटा सा शायद, जिसके ऊपर उसने अलग अलग शेप की बिंदीस लगाई है और पैटर्न बनाई है. तो चलो पढ़ते हैं कि उसने क्या किया है. लुक एट द ग्रुप्स एंड गैस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीस. यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पर ग्रुप को देखो और टोटल नंबर ऑफ बिंदी को आप काउंट करके बताओ. तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखो ये एक ग्रुप, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? एट ग्रुप्स. वी आर गोइंग टू राइट डाउन एट ग्रुप्स ओवर देयर. ओके, नाउ इन ईच ग्रुप हाउ मेनी बिंदीस आर देयर. मतलब हर एक ग्रुप में कितनी बिंदी है. तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. यहाँ पर टेन बिंदी है तो हर एक ग्रुप में टेन बिंदी ही होगी. चलो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. मतलब बिंदी के ग्रुप कितने हैं तो के एट, और हर एक ग्रुप में कितनी बिंदीस है तो के टेन. तो हम एट को टेन बिंदी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. यहाँ पर वापस देखो बिंदी के ग्रुप कितने हैं तो के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. कितने ग्रुप है? एट. और हर एक ग्रुप में कितनी बिंदी है तो टेन, जो कि हमने काउंट किया. तो एट को टेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको साइड में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखा रही हूँ. लुक एट दिस. यहाँ पर टेन मल्टीप्लाई बाय एट या एट मल्टीप्लाई बाय टेन, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो. लेकिन अगर ज़्यादा डिजिट वाला नंबर हम ऊपर रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आसानी रहेगी. इसलिए यहाँ पे देखो टेन दो डिजिट का नंबर है और एट वन डिजिट का. तो वन डिजिट हम नीचे रखेंगे और टू डिजिट हम ऊपर डालेंगे. तो चलो यहाँ पर हम करते हैं. ये टेन लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एट के साथ. ठीक है. तो 8 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जीरोज़ आर 0 और 8 वन्स आर 8. आपको 1 का टेबल आता है. 1 8's आर 8, ये भी तो होता है ना. 1 8's आर 8 और 8 जीरोज़ आर 0. तो 10 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 80. कितना आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 80 बिंदीस. क्या लिखेंगे? मतलब कि इसके जो इसने ये जो पैटर्न्स बनाई है 10-10 के बिंदीस की, वो टोटल कितनी बिंदी है? 80 बिंदी है. ओके, तो ये हमने काउंट कर लिया कि भाई उसने 80 बिंदीस यहाँ पे यूज़ की है. फिर दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीस.
यहाँ पे हमें क्या बोला है कि भाई उसने 80 बिंदी लगाई है, तो अभी आपको 100 बिंदी कंप्लीट करनी है। और 100 बिंदी कंप्लीट करने के लिए आपको कितने ग्रुप बनाने हैं, हर एक ग्रुप में कितनी बिंदी लगानी है, वो सब हमें सोचना है। हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ, मतलब कि अगर हमें इसमें 100 बिंदी कंप्लीट करनी है तो हमें और कितनी बिंदियां इसमें लगानी पड़ेंगी। तो इसने कितनी लगा चुकी है वो लड़की, तो के 80 बिंदी, और लगानी कितनी है 100। तो बड़ा अमाउंट कौन है 100, उसमें से छोटा अमाउंट हम लेस करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं, ये 100 बिंदी जो हमको लगानी है और 80 जो वो लगा चुकी है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, 0 - 0 = 0, 0 में से 0 लेस होता है तो 0 ही रहता है। जैसे आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं है और आपको किसी को कोई देनी भी नहीं है तो क्या रहेगा, 0। फिर यहाँ है 0, 0 में से 8 लेस करना है, मतलब आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है और आपको मैं बोलूं कि चलो भाई आप 8 चॉकलेट मुझे दे दो, तो आप मुझे 8 चॉकलेट दे पाओगे नहीं ना। तो भाई हमको मम्मी से लेना पड़ेगा कि भाई मम्मी मुझे टीचर को 8 चॉकलेट देनी है, तो आप मुझे चॉकलेट दे दो थोड़ी सी, ऐसे लेना पड़ेगा ना मम्मी या पापा से। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ है ये 1, उसके पास कुछ है तो इससे हम ये एक कैरी करेंगे, तो यहाँ से कम हो गया, मतलब यहाँ जो रिमेन रहा वो 0, और यहाँ हो गए 10। तो अभी 10 में से 8 लेस करेंगे, तो पहले तो हम 10 लाइनें बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में से लेस कितनी करनी है, तो के 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कट हो गई, तो हमारे पास कितनी लाइनें बची, 2, तो ये रहा 2, और यहाँ है 0, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रख दिया। मतलब अगर हमें 100 बिंदी कंप्लीट करनी है तो 20 बिंदी और लगानी पड़ेगी इस डिज़ाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20 क्या लिखेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि भाई हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है, यहाँ पर देखो, हाउ मच कैन यू कैरी, मतलब आप कितना वजन उठा सकते हो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको इस लेक्चर के बारे में, जो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में थोड़ा बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। तो पहले तो हमने ये वाला सीखा था कि काउंट करके बिना नंबर को काउंट किए गैस करके नंबर बताने हैं कि कितने नंबर के हैं, ये कप कितने हैं, ये जूते कितने हैं, ये सब। फिर यहाँ पर हमने ग्रुप बनाए, हर एक चीज़ का ग्रुप बनाया और ग्रुप में कितने थिंग्स थी उसको मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ग्रुप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप, मतलब टोटल सपोज ये कितने ग्रुप हैं, तो के 4, और हर एक ग्रुप में कितने चीज हैं, तो के 3, तो ग्रुप के नंबर है 4, और मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करके हमने नंबर ढूंढे कि ये कितने नंबर हैं, ठीक है। फिर यहाँ हमने देखा कुछ जनरल क्वेश्चन कि भाई कौन सी चीज़ें कम है और कौन सी ज़्यादा। फिर हमने यहाँ बिफोर और आफ्टर नंबर सीखे कि
यहाँ पे बिफोर नंबर कौन सा आएगा और आफ्टर नंबर कौन सा आएगा। फिर इस पेज पर हमने एक पजल भी की जिसमें मजा आया। चूहे की पूंछ को हमने बांध दिया जगह जगह पे। फिर यहाँ कैरेट वाली स्टोरी लर्न की। फिर यहाँ उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर लर्न किए। और लास्ट में यहाँ सीमा ने जो पैटर्न बनाई थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर दिए। तो यहाँ हमारा सेकंड लेक्चर सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ है जो इसकी वर्कशीट की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी और उसको देखकर आपको मैथ्स की जो वर्कशीट है सेकंड चैप्टर की वो कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तब तक के लिए सबको गुड बाय।